हे फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ अटर्नी। ये एक्ट 1882 के अनुसार एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित कर सकता है। इसमें एजेंट और प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे अगर एजेंट की वजह से प्रिंसिपल को कोई भी नुकसान होता है तो एजेंट को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दी जाती है? पावर ऑफ अटॉर्नी मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करने के लिए की जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल उन हालत में किया जाता है जब प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो बीमारी या किसी और वजह से कोर्ट में जाने के प्रोसेस से बचना चाहता है या कोई अहम फैसला नहीं ले पा रहा हो। तो दो तरीके की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में एजेंट काफ़ी अहम फैसले ले सकता है और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में कुछ स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक एजेंट को ही दी जाती है ये अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी कब ख़त्म होती है? जब एजेंट या प्रिंसिपल में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, लेकिन अगर कराएंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा उसका। जिन जगहों पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 98 लागू होता है वहाँ इस डेट को सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और बाकी जगह पर प्रशासनिक अधिकारी से करा सकते हैं। एक या दो गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। हे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।